नमस्कार प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब कर लेते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों पर। पेगासस से राहुल गांधी की जासूसी की रिपोर्ट पर भड़की कांग्रेस, शाह के इस्तीफे और पीएम मोदी के खिलाफ जांच की मांग। सुरक्षा बलों ने बीते 20 दिनों में 20 आतंकियों को मार गिराया, मरने वाले सभी आतंकी लश्कर ए तैयबा से थे संबंधित। मणिपुर में कांग्रेस के हाल प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, 8 सांसदों ने थामा बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, 11वीं और 12वीं के लिए गाइडलाइंस जारी, सभी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ होंगे प्रारंभ। टीएमसी नेता मुकुल रॉय को अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किया गया है नामित। डेल्टा वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, जल्द ही विश्व स्तर पर बन जाएगा सबसे प्रमुख कोरोना का स्ट्रेन। मानसून सत्र को लेकर अमित शाह ने कहा, जासूसी कराने की रिपोर्ट पर विपक्षी शोर की क्रोनोलॉजी समझिए। तिरुपति मंदिर में भक्त ने चढ़ाई 5 किलो सोने की तलवार, 1 करोड़ रुपए बताई जा रही लागत। शिल्पा शेट्टी के पति गिरफ्तार, राजकुंद्रा पर पोर्न फिल्में बनाने का आरोप, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस ने बंद किया कांग्रेस टूलकिट केस, कांग्रेस की ओर से बीजेपी नेताओं के खिलाफ कुछ महीने पहले की गई थी टूलकिट से जुड़ी शिकायत, छत्तीसगढ़ में जारी रहेगी जांच। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, गहलोत सरकार निकालेगी बंपर वैकेंसी, पुलिस कांस्टेबल के 4438 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, मुस्लिम बहुल इलाकों में जन्म दर को नियंत्रित करेगी जनसंख्या सेना, जनसंख्या को लेकर जागरूकता फैलाएगी सरकार। बंगाल में फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट या नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट। तालिबान के साथ है पाकिस्तान के 21 आतंकी संगठन, कश्मीर को लेकर भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ी। जम्मू कश्मीर रोबोटिक सर्जरी के लिए तैयार, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में चल रही तैयारी, डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए हुई थी कार्यशाला। आगरा में ड्रग हाउस पर छापेमार कार्यवाही, ड्रग हाउस को किया गया सील, अधिकारी ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। संभल में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे आप सांसद, खाने पर टूट पड़ी आप कार्यकर्ताओं की भीड़। आजमगढ़ में 40 लिपिकों के ट्रांसफर से गुस्साए स्वास्थ्यकर्मी, सीएमओ कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने दिया धरना। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या के आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सहारनपुर में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी आई सामने, पुलिस वाले का वीडियो हुआ वायरल, रेलवे कर्मचारियों को दिखाया था रॉ।
आगरा में कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील। बटेश्वर धाम में नहीं चढ़ाई जाएगी कांवड़। कोविड प्रोटोकॉल पर बोले मंदिर के पुजारी। आगरा में चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब के जखीरे को किया गया बरामद। औरैया में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। दो घायलों को भेजा गया अस्पताल। आजमगढ़ में कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक। बकरीद के त्योहार पर मिले निर्देश। आजमगढ़ में मनरेगा कर्मियों का प्रदर्शन। विकास भवन में किया घेराव। प्रदर्शन के जरिए की अपील। गाजीपुर में लिपिक कर्मचारियों ने काम किया बंद। आईएएस अधिकारी के खिलाफ लगाए नारे। तबादला एक्सप्रेस पर उठे सवाल। दिव्यांगों की मदद के लिए जौनपुर में बीजेपी विधायक ने दी बाटी ट्राईसाइकिल। दिव्यांगों को मिलेगी भारी मदद। लखनऊ में जलवंशी समाज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के चुनाव पर जलवंशी समाज ने दी प्रतिक्रिया। चुनावी मैदान में उतरेंगे ये लोग। लखनऊ में विद्युत संशोधन बिल पर मचा बवाल। बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में साइबर ठगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। क्राइम सेल ने 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में महिला ने लगाई फांसी। महिला की मौत से परिजन परेशान। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। सहारनपुर में खेत से किसान का शव किया गया बरामद। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने दिए जांच के आदेश। शाहजहांपुर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी। 8,58,000 कैश के साथ शराब की कई पेटियां पुलिस ने की बरामद। फतेहपुर में गांव में लगाया गया टीकाकरण शिविर। स्थानीय लोगों ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। रायबरेली में अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। युवक पर हुआ जानलेवा हमला। हमले के बाद दबंग मौके से हुए फरार। आगरा में भीषण सड़क हादसा। दो कार के बीच हुई भीषण भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। लखनऊ में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। दबंगों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। स्कूटी सवार से लूटे 1,40,000 रुपए। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। सीएम आवास पहुंचे अभ्यर्थी। सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। रामपुर में सपा सांसद आजम खान फिर से अस्पताल में भर्ती। पत्नी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। रामपुर में एक और विवाहिता चढ़ी दहेज की भेंट। विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरवाजे पर सांड और अंदर फंसा परिवार। कानपुर के कमला नगर में मकान की तीसरी मंजिल पर सांड ने पहुंचकर 16 घंटे तक जमाया डेरा।
यूपी में हाउस टैक्स की वसूली के पीछे रहे अफसरों पर गिरेगी अब गाज, राजस्व निरीक्षक की बर्खास्तगी पर प्रक्रिया शुरू। यूपी में जमीनी स्तर पर काम करेगी कांग्रेस, बूथ कमेटियों का होगा गठन, महिलाओं को भी दी जाएगी भागीदारी। यूपी के चुनावी रण में उतरने से पहले संगठन की मजबूती में जुटी सपा, प्रदेश कार्यकारिणी को जल्द विस्तार देने की कर रहे हैं तैयारी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रयागराज में कार्यकर्ताओं को एकजुटता का दिया मंत्र, दूसरी तरफ कुछ जगहों पर गुटबाजी भी हुई उजागर। गोरखपुर में 700 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ, 2000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। बाजपुर सपा नेता ने सरकार पर साधा निशाना, किसानों के साथ अन्याय का लगाया आरोप, कहा सपा सभी सीटों पर लड़ेगी 2022 का चुनाव। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रद्द करने के फैसले पर महामंडलेश्वर ने किया स्वागत, संत समाज ने की अपील, घर पर रहकर करें भगवान शिव का स्मरण। हरिद्वार में बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी पर रोक, विधायक पर लगा है रेप का आरोप, हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद लगाई रोक। छबरेड़ा में बेटी को अगवा कर शादी करने का लगाया गया आरोप, पिता ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। बलियर में महिला हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, देवर ने पिछले दिनों की थी भाभी की हत्या, 6 महीने की गर्भवती थी महिला। नैनीताल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश से मोटर मार्ग की सुरक्षा दीवार टूटकर गिरी, प्रशासन ने अगले आदेश तक बंद किया मार्ग। लालकुआ में संदिग्ध अवस्था में होटल के कमरे में मिला महिला का शव, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला किया दर्ज। सीएम पुष्कर सिंह धामी का सभी डीएम को निर्देश, 24 घंटे खोले रखें अपने फोन ताकि आपदा की स्थिति में की जा सके त्वरित कार्यवाही। चमोली में ग्रामीणों के मकानों में पड़ी दरारें, 2013 की आपदा से ग्रामीणों का है बुरा हाल, सुध लेने को तैयार नहीं प्रशासन। पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, मोटर मार्ग अवरुद्ध होने पर लोक निर्माण विभागों को किया गया अलर्ट। मसूरी में पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन जारी, सड़कों का चौड़ीकरण से लगातार गिर रहा है मलबा। पौड़ी दौरे पर हैं मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कई सड़क मार्ग का किया शिलान्यास, मौके पर कई अन्य नेता भी रहे मौजूद। रुड़की में सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर, बिना इलाज के गर्भवती महिला को भगाया। पौड़ी गढ़वाल में डीएम के अधिकारियों संग बैठक, बैठक में कूड़ा निस्तारण के बारे में हुआ विचार, डीएम ने जनप्रतिनिधियों से भी लिए सुझाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बोले, सरकार ग्राम प्रधानों की मांगों को तत्काल करे पूरा। रागनगर के गिरिजा मंदिर परिसर में हाथियों ने फिर मचाया उत्पात, 6 दुकानों को किया क्षतिग्रस्त।
पंजाब के खूंखार गैंगस्टर की उधम सिंह नगर में एसटीएफ से मुठभेड़, चार किए गए गिरफ्तार। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मिलेगा अनुदान, आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों का सहारा बन रही देहरादून की जॉय संस्था, 100 बच्चों को गोद लेकर देगी शिक्षा। MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और P-8 के जरिए अमेरिका और भारतीय नेवी में संबंध होंगे और मजबूत, भारत और अमेरिका के बीच करीब $2.5 अरब की हुई डिफेंस डील। भारत यात्रा को लेकर अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में किया सुधार, नागरिकों को यात्रा पर पुनर्विचार करने की दी सलाह। इटली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, सड़कों पर उतरकर यूरो कप की जीत का जश्न मना रहा है देश। बगदाद में बकरीद के एक दिन पहले बम विस्फोट, 18 लोगों की हुई मौत, दर्जनों हुए घायल, पीएम ने हटाया पुलिस कमांडर। तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बीच राष्ट्रपति गनी ने पाक को सुनाई खरी खोटी, भारत को अपने देश के विकास में बताया सच्चा भागीदार। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण, ध्वनि से 9 गुना तेज गति से निशाना साधने में है सक्षम। उत्तर कोरिया में बना नया कानून, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की मीडिया को फॉलो करने वाले 15 साल की होगी सजा। सरकारी सूत्रों ने किया चीन की तैयारी का खुलासा, शिनजियांग प्रांत के शाकचे शहर में बन रहा एयरबेस, भारत और चीन में खत्म नहीं हुआ है सीमा विवाद। ब्रिटेन को 15 महीने बाद मिली कोरोना नियमों से मुक्ति, नाइट क्लबों में हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। उत्तर पश्चिमी चीन में बारिश के कारण 2 बांध ढहे, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया, हादसे के बाद किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। कोरोना में बदल गई हज की यात्रा, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और मास्क पहनकर रखने की अपील, सैनिटाइजेशन के लिए तैयार किए गए रोबोट। पीओके की चुनावी रैली में इमरान ने खुद को बताया कश्मीरियों का ब्रांड एम्बेसडर, कहा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान में भारत की ओर से निर्मित प्रतिष्ठानों को तबाह करना चाहता है पाक, आतंकियों को दिए निर्देश। अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण मामले में टैक्सी ड्राइवरों से पूछताछ, गृह मंत्री ने कहा जल्द होंगे अपहरणकर्ता गिरफ्तार। चीन के लोगों ने अमेरिकी फोर्ट डेट्रिक लैब के खिलाफ जांच की मांग, WHO को लिखा खुला पत्र। तालिबान और अफगान सरकार में संघर्ष विराम पर नहीं बनी बात, एक समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखने का किया ऐलान। परमाणु समझौते पर वार्ता में देरी पर अमेरिका ने ईरान को लताड़ा, कैदियों की तत्काल रिहाई की भी उठाई मांग। OPEC ने दी 5 देशों में कच्चे तेल के उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी, अगस्त से बढ़ेगा दुनिया भर में प्रोडक्शन।
देश से बाहर जाने से पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेना हुआ अनिवार्य, सऊदी ने बनाए नए नियम। यूरोप में बाढ़ से अब तक 196 से ज्यादा लोगों की मौत, यहां हर तरफ फैला है तबाही का मंजर, बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। सेबी और डीआरआई कर रहे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जांच, कंपनियों पर सेबी नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप। टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत, एजीआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा, सभी कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए 10 साल का दिया समय। एसबीआई एचडीएफसी बैंक के साथ आई कोटक बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आरबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुए एकजुट। शिव नडार ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज के एमडी पद से दिया इस्तीफा, बनेंगे मानद अध्यक्ष। यूपीसीएल और टाटा पावर के बीच हुआ समझौता, हर पेट्रोल पंप पर लगेगा ईवी चार्जिंग स्टेशन स्पोर्ट्स। क्वारंटाइन पीरियड से बाहर आए ऋषभ पंत, दूसरे प्रैक्टिस मैच से पहले टीम से जुड़ेंगे, 8 जुलाई को कोरोना से हुए थे संक्रमित। एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम के बने 26वें कप्तान, फिंच के चोटिल होने के बाद मिली है कमान। श्रेया सैयर चोट की वजह से रॉयल लंदन कप 2021 टूर्नामेंट से हुए बाहर, आईपीएल 2021 खेलने पर भी बना है सस्पेंस। जो रूट ने पेश की खेल भावना की बड़ी मिसाल, रन लेते वक्त चोटिल हुए बल्लेबाज को नहीं किया रन आउट। चेन्नई सुपर किंग्स अगले महीने से करेगी आईपीएल की तैयारी, चेपॉक में लग सकता है कैंप। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का एक्शन सीन शूट करते वक्त बुरी तरह से जख्मी हुई थी नोरा फतेही, असली चोट के साथ की शूटिंग। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 का प्रोमो, प्रोमो वीडियो के दूसरे पार्ट का करना होगा भी इंतजार। भारती सिंह कीकू शारदा कृष्णा अभिषेक के साथ कपिल ने शुरू की कपिल शर्मा शो की शूटिंग, बोले पुराने चेहरों के साथ नई शुरुआत। ऐश्वर्या ने अगली फिल्म की आधिकारिक घोषणा की, ऐश मणिरत्नम की फिल्म PS1 यानी सेल्वन से फिल्म मेकर सकती है वापसी। ईशा देओल की एक दुआ का ट्रेलर हुआ आउट, 26 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म, 10 साल बाद इस फिल्म से ईशा बड़े पर्दे पर करेंगी वापसी। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।